पापा को बोलती नहीं हूँ कि मुझे ये जूता चाहिए, क्योंकि औकात में नहीं था वो खरीदने के लिए। कुछ नहीं पता था मेरे को कि एथलेटिक्स के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम था। सचिन सर को बहुत फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, सचिन तेंदुलकर सर को। तो यहाँ पे लिखा रहता है ना इंडिया, भाई यहाँ पे इंडिया लिखा है। मैंने भी पापा को बोला कि मेरे को भी एक दिन ये जर्सी पहनना है। और मैं पहला इंडियन लड़की थी जिन्होंने फाइनल में पहुंचा। You are the first person, yes, sir, जिसको गोल्ड मेडल मिला। जब झंडा हाथ में आ जाता है ना तो अलग ही लेवल आता है, गूज़बम्स निकलने लगते हैं और सडनली पानी गिरते रहते हैं। 2018 में मैंने जब गोल्ड मेडल लाया, इंडिया में एथलेटिक्स में थोड़ा सा रिवोल्यूशन आया है। बस में रहना चाहिए, थोड़ा सा किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई हाथ में रहना चाहिए। लास्ट मोमेंट में इंस्पायर दे के भेजना, पावर दे के भेजना, वो एक ही इंसान है, वो है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कहीं पे जाती हूँ सर, पीछे जब इंडिया लिखते हैं ना, तब मालूम चलता है यार इंडिया क्या होते। एक ही एम है कि ओलंपिक खेलना है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का दुआ, सबका, देश का आशीर्वाद। आसाम को खुश करना चाहते, आसाम का नाम और ऊपर लेके जाना चाहते। जो अंदर से भरा होता है ना, वही आगे बहुत कुछ कर सकता है। ऑल द बेस्ट एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव।